नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है और न्यूज आ रही है डायरेक्ट चाइना से। देखिए मेटल और ऑटो से दो तीन स्टॉक्स है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। मतलब डिपेंडेंट एक गलत वर्ड हो गया, बहुत ज्यादा मतलब जुड़े हुए हैं चाइना से, ये एक सही शब्द होगा। चाइना से अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो इन कंपनीज को, इन स्टॉक्स को सुपर तरीके से फायदा होता है, और वहीं चाइना की तरफ से अगर कभी कोई खराब खबर आती है तो इन पे डायरेक्ट इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन ये इंपैक्ट बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। अगर बात करूं मेटल एज अ पैक की तो चाइना से इनके ऊपर इंपैक्ट लंबे समय के लिए होता है, लेकिन बात करें अगर कुछ चुनिंदा शेयर्स के बारे में लाइक टाटा मोटर्स, लाइक मदरसन, संवर्धना मदरसन, तो इनपे कुछ समय के लिए होता है। अब ऐसा क्यों है, चाइना इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों करता है भारत के स्टॉक्स पे, और इसी के चलते आप अगर नोटिस कर पाए होंगे तो 3 बजे के समथिंग सारे के सारे मेटल स्टॉक्स भागे हैं, क्योंकि चाइना से एक बड़ी खबर आई है। क्या है खबर, कितना इंपैक्ट करेगी, आपको क्या करना है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर मार्केट्स की तो निफ्टी में फिर एक डिप आई, लेकिन मेटल स्टॉक्स इस समय ऊपर लेके जा रहे हैं। बाजार को दोबारा 18,550 के लेवल्स पे मार्केट पहुंचते हुए दिख रहा है, और मेटल इंडेक्स जो सुबह तक टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी नहीं था, आज इंडाइसेस में जाते जाते सेकंड नंबर पे आ गया है। रियलिटी 1.5% ऊपर है, मेटल 1.31% ऊपर है, और अभी 24 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेटल इंडेक्स रियलिटी को आज पीछे कर दे और टॉप गेनर बन जाए, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है चाइना की तरफ से जो आई है मेटल्स के लिए। कितनी बड़ी खबर है चलिए समझते हैं। सबसे पहले चाइना से रिलेट करने वाले स्टॉक्स के नाम बताता हूं, पूरा का पूरा एज अ मेटल पैक साइड में कर दो, ये तो पूरा रिलेट करता है और बहुत ज्यादा रिलेट करता है। कुछ चुनिंदा नाम है जो कि चाइना से, वो है टाटा मोटर्स, संवर्धना, मदरसन। अब इनकी ना वहां पे अच्छी खासी पकड़ है JLR वगैरह की, तो वहां डिमांड काफी रहती है। तो चाइना में अगर इकोनॉमी बीस्ट होगी, चाइना में अगर मतलब मार्केट ग्रो कर रही है, तो फिर इनके लिए पॉजिटिव है। अब आते हैं कि खबर क्या है एक्चुअल में, तो खबर आई है मेटल्स से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड नहीं है बट मेटल्स को अच्छा लग रहा है। चाइना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी का वे करने वाला है, वजन तोलने वाले का, इस तरीके की खबर है कि चाइना टू वेज प्रॉपर्टी एंड टू बूस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ये सब चीज करने वाला है चाइना, मार्केट सपोर्ट पैकेज टू बूस्ट इकोनॉमी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर आती हुई दिखिए, अभी केवल इतनी अनाउंसमेंट है कि चाइना करने वाला है बूस्ट, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी का वजन वगैरह, कि भैया प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रो करनी है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी होगी तो फिर मेटल तो लगना ही लगना है, और जब भी वो इकोनॉमी बूस्ट करने की बात करेंगे तो मेटल्स में आएगी तेजी। तो चाइना की तरफ से ये एक अपडेट। अब अगर कोई डाटा और बड़ा निकल के आता है तो फिर वो हो जाएगा सुपर पॉजिटिव। अब मैं आपको मेटल स्टॉक्स का अपडेट दूं तो 1.3% इस समय मेटल इंडेक्स ऊपर है, ये तब ऊपर है जब अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे है। अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स में ही इंक्लूड किया गया है और वो 1.5% नीचे है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स देखिए, हिंदुस्तान को ऊपर 0.25% ऊपर, हिंडालको 0.4% की तेजी, हिंदुस्तान जिंक फ्लैट टू पॉजिटिव है 1.5% ऊपर है, जिंदाल स्टील में लगभग 3% की तेजी है, JSW स्टील 2% ऊपर ऑलमोस्ट, नेशनल एल्यूमिनियम 1.5% ऊपर, NMDC 2% ऊपर, रत्ना मनी मेटल 1.5% ऊपर है, सेल 0.25% ऊपर, टाटा स्टील 2.25% ऊपर, वेदांता 1% एंड वेल्सपन 3% ऊपर। तो बड़ी तेजी है, किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो मेटल से बड़ी तेजी बन रही है, और रीजन चाइना बनता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहीं पे खरीदारी की जा सकती है, तो देखिए अभी ना इतनी बड़ी अपडेट नहीं है, बस एक हेडलाइन आई है जिसकी वजह से ये स्टॉक बूम कर गए, बूस्ट कर गए। मुझे लगता है वैसे तो पोस्ट मार्केट ही वीडियो आपके लिए आएगी, अगर इन मार्केट में भी आ जाए तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, मंडे को ही लेंगे जो भी ट्रेड होगा, अभी के लिए होल्ड डालते हैं। टेक्निकल बेसिस पे मेटल स्टॉक्स को एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा, 2 दिन का आराम से लंबी छुट्टी है, कल कुछ स्पेशल आएगा आपके लिए, एंड मेटल स्टॉक्स के सारे स्टॉक्स में जिसका भी टेक्निकल बेसिस पे अच्छा चार्ट पैटर्न होगा उसके बारे में बात करेंगे, बाकी छोटे से बड़े तक सारे मेटल स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीकेंड के दौरान, चाहे वो NMDC हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो NMDC सेल हो, मतलब नेल्को हो, छोटा स्टॉक है वो भी कवर करेंगे, और बड़ा टाटा स्टील जैसा दिक्कत है उसको भी कवर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।